मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम के लिए आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, इसलिए हृदय से मैं महाराष्ट्र सरकार को, सुभाष देसाई जी को और उसके साथ साथ सभी इन्वेस्टर को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जब मुंबई में इस कार्यक्रम में मैं आया तो ये इन्वेस्टमेंट की याद मुझे आ रही थी। जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहाँ और रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरूभाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि नितिन तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो यह करके देखो, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, पर लेट अस ट्राई फॉर इट। और तब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए MSRDC की स्थापना हुई, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन था और संस्थापक था, और RC सिन्हा जो उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बाद में हुए और मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हम दोनों मिलकर होटल की बात को छोड़ो, छोटे छोटे फोरम पर जाकर बैग लेकर, लैपटॉप पर नया नया आया था, मेरी उम्र 36 साल की थी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इधर जाके प्रेजेंटेशन करते थे और कहते थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। वो दिन इसलिए मुझे याद आया कि उस समय हम इन्वेस्टर के पास जा रहे थे, आज इन्वेस्टर हमारे हाल आ रहे हैं, इसका मुझे समाधान होता है। और जब पहली बार 500 करोड़ रुपए के लिए, हम उस समय की बात कर रहा हूं 96 की, हम कैपिटल मार्केट में गए और पहली बार हमको 1160 करोड़ रुपए बॉन्ड्स में रिसीव हुए, ओवर सब्सक्राइब हुए। दूसरे बार फिर हम लोग 650 करोड़ के लिए गए, फिर 1100 करोड़ रुपए मिले। तो रतन टाटा मुझे कहते थे कि तुम हमसे भी होशियार निकले, क्योंकि हमें किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यह पैसा पब्लिक मार्केट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलेगा। ये स्टोरी यहाँ समाप्त नहीं होती, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, फ्लाईओवर्स बन गए, वर्ली बांद्रा बन गया, इसके पैसे वसूल हो गए। और जब ये बात आई थी, ये पहला BOT रोड देश में बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और पहली पॉलिसी BOT रोड की जब बनी, तब मैं दिल्ली गया था और उसका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मुझे मलबार हिल में एक TV शॉप ने दिया। मैं नया नया मंत्री बना और मेरे घर पर कलर TV लेना था, तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था रॉकी हिल में, वहाँ सब जजेस रहते थे और मैं अकेला मिनिस्टर था और मैं PWD मिनिस्टर था। तो मुझे फ्रीज और TV, PWD ने कहा कि ये सरकारी नियम के आधार पर आपको नहीं मिल सकता। तो मेरा स्वभाव थोड़ा संघर्षशील था, मैंने कहा ये जो 12 हाईकोर्ट जज रह रहे, इनके पास टीवी और रेफ्रिजरेटर सरकारी बजट से मिलता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो निर्णय करके ले लिया है, पर तुम्हारे लिए ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, तो उन्होंने छोड़ दो, मेरे लिए मत करो। तो मैं एक दुकान में गया था और मैंने उनको कहा कि मुझे TV खरीदना है, मुझे इंस्टॉलमेंट पे TV दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि TV का देखा, मैंने मॉडल सिलेक्ट किया, और जब उनको पता चला कि मैं मंत्री हूँ, तो उन्होंने कहा कि नया पीस आने के बाद सर मैं आपके पास देता हूँ, क्योंकि अभी नया पीस अच्छा फ्रेश पीस आएगा, तो आप थोड़ा वेट करिए। बाद में उसका नया पीस आया नहीं और TV मुझे मिला नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट पर TV लेने वाला मिनिस्टर है, तो शायद पैसा आएगा कि नहीं आएगा।
क्योंकि इसका मुझे अनुभव आया था। एक बार कामत साहब मेरे साथ फ्लाइट में थे, ICICI बैंक के MD थे, तो मेरे पास आए और उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो मैंने उनको कहा, कामत साहब आप मेरी तारीफ कर रहे हो, आपके बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड रिफ्यूज कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो बोला हमारे पॉलिसी ऐसी है कि लॉयर और पॉलिटिशियन को हम लोग क्रेडिट कार्ड नहीं देते। तो वो बाद में उन्होंने मेरे लिए तुरंत किया। पर इस बात से एक अनुभव मिला कि जब TV अगर इंस्टॉलमेंट पर मिल सकता है, एम्बेसडर कार मिल सकती है, फियाट मिल सकती है, तो फिर टनल और ब्रिज क्यों नहीं मिल सकता। और इसी इंस्पायरेशन से मैंने ठाणे भिवंडी बाईपास पहला BOT रोड बनाया, जो BOT भी भारत सरकार ने अप्रूव किया, हम पॉलिसी लेकर गए और बाद में BOT पॉपुलर हुआ। और आज मुझे बताने के लिए एक ही बात है, बाकी भाषण करने की जरूरत नहीं है, कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद उसका टोल कम हो रहा था और कर्जा ज़्यादा था। तो प्रॉब्लम आया कि उस समय करंदीकर करके MSRDC के MD थे, उस समय NCP और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो MSRDC इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही थी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। तो करंदीकर साहब को शरद पवार साहब ने मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि ये इसका अड़चन की समस्या आप नितिन को ही पूछो कि वो कुछ बता पाएगा। तो करंदीकर साहब जो थे MIDC के भी CEO थे, बाद में MSRDC के MD थे, मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये वायबिलिटी नहीं आ रही और हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि एक्सप्रेस हाईवे का पैसा कैसे वसूल होगा। तो शरद पवार साहब ने कहा है कि आपको मिलकर सॉल्यूशन निकलेगा, नितिन को मिलो। तो मेरे अपरेंट रिएक्शन हुई कि अब मैं तो मंत्री नहीं हूँ, मैं क्यों सॉल्यूशन दूँ, अब ये आप ढूंढते बैठे हो। तो करंदीकर जी ने मुझे कहा कि आप अपोजिशन लीडर जरूर हो, पर ये ब्रेन चाइल्ड आपका ही है और आपको ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो मैं थोड़े दिन सोचकर उनके साथ बैठा और मैंने कहा ऐसा करो, जो पुराना मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, नेशनल हाईवे, आप भारत सरकार को मांग लो और एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे को मर्ज कर दो, दोनों को एक ही प्रोजेक्ट बना दो और ये बनाकर आप प्रपोजल लेके दिल्ली आओ, खंडूरी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो दोनों प्रोजेक्ट मर्ज करने से उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी हो गई और भारत सरकार में खंडूरी जी को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो अनुमति दे दी और पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने उसको मोनिटाइज किया, उनको 3,000 करोड़ रुपए मिले। बाद में वो पीरियड खत्म हो गया जबकि कॉस्ट जो थी कंस्ट्रक्शन की, मैं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए यही उदाहरण बताना चाहूँगा कि रिलायंस ने कोट किया था 3600 करोड़, हमने उसको रिजेक्ट करके MSRDC के द्वारा पूरा किया 1600 करोड़ में, 2000 करोड़ बचाए, उसको मोनिटाइज किया महाराष्ट्र सरकार ने, उस समय मिले 3000 करोड़, और अभी एक साल पहले अभी मोनिटाइज किया ये दोनों हाईवे को, तो महाराष्ट्र सरकार को मिले 8000 करोड़। तो आप ही समझ लेना कि 1600 करोड़ के रोड को एक बार 3000 करोड़ में मोनिटाइज हुआ और अब 8000 करोड़ में मोनिटाइज हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में सोचना ही बंद कर दो। जहां ट्रैफिक डेंसिटी, कल मैं पार्लियामेंट क्वेश्चन के लिए ब्रीफिंग कर रहा था और हमारे रिंग रोड के लिए अभी बेंगलोर का रिंग रोड बनाने के लिए 22,000 करोड़ लगते हैं, हैदराबाद के रिंग रोड के लिए 17,000 करोड़ लगते हैं। तो हमने हमारे यहाँ नियम बनाया कि 50% लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट राज्य सरकार दे, तो राज्य सरकार को देने में इतना उनका बजट ही 3-4 हज़ार करोड़ का होता तो पैसा मुश्किल जाता है। तो मैंने पूछते पूछते पूछा कि ये गुलमर्गा करके जगत ही कर्नाटक की रिंग रोड में ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, तो उन्होंने कहा इतना कंजस्टेड है कि 40,000 PCUs है। तो तुरंत उनके सौभाग्य से थोड़ा मंत्री समझने वाला है, जनरली मंत्री ऐसा होता कि सरकार तो सेक्रेटरी और बाकी लोग ही चलाते, मंत्री ज़्यादा बोलते ही नहीं। तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि जब 40,000 PCUs है तो इसका इंटरनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट पकड़ के इसका IRR 40,000 PCUs पे कितना आता है। तो मैंने कहा आप 10 साल का रोड बनाकर उसको मोनिटाइज करके 1,000-1,500 करोड़ जेब में रखकर फायदा कमाकर आप बैंक से मोनिटाइज कर सकते हो, फिर राज्य सरकार को 50% क्यों मांग रहे हो।
तो वो उन्होंने मेरे आर्गुमेंट के ऊपर उनके पास जवाब नहीं, तो फिर मैंने सेक्रेटरी साहब को तुरंत फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि ये नीति में थोड़ा सुधार करें कि जहाँ PCUs 20,000 के ऊपर होगा वहाँ 50% आग्रह करने के बजाय द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली वायबल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज गुड, वाई वी आर आस्किंग फॉर गिविंग 50% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही था। तो हिंदुस्तान में दो चीज़ों के बारे में आप विश्वास रखिए, जो ग्रोथ के बारे में आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरी ऑटोमोबाइल ग्रोथ, ये बढ़ रही है और इसलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक वायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ी सी अड़चन आई थी 2014 के पहले कि लैंड एक्विशन नहीं हुई, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुए, 20% लैंड एक्विशन प्रोजेक्ट अवार्ड हो गए, वो प्रोजेक्ट अटक गए और उस समय बैंकों को बहुत तकलीफ हुई। और वह तकलीफ होने के बाद जब मैं मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे। उस समय 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए और करीब 3,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे जिसको हमने बैंकों से NPA से बचाया और वो प्रोजेक्ट फिर से चलने लगे, हमने उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए, रिजॉल्व किए और आज वो स्थिति वैसी नहीं है। पर खारा साहब, वो जो इम्प्रेशन उस समय जो तकलीफ बैंकों को हुई है वो सही में हुई है और दैट इज बिकॉज ऑफ वी पीपल, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। पर वो इम्प्रेशन अब दूर हो रहा है, पर वो धीरे धीरे दूर होते होते समय चला जाने के कारण बैंकों के और इन्वेस्टर के मन में वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए हमको 5-7 साल जो काम हुआ है, अब इसमें अब कोई अड़चन नहीं। पहला निर्णय हुआ है कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं करते, दूसरा फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस किए बिना हम करते नहीं, रेलवे के क्लियरेंस कर लेते हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर की और वो कमेटी में अभी सब जगह सब मंत्री उसके मेंबर है और मैं अभी तो कमेटी का भी क्रेडिबिलिटी अच्छी तैयार हुई कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट रेफर होने के बाद ही तुरंत सब मिनिस्ट्री दौड़ धूप करके क्लियर करके मीटिंग में लेके आते कि ये क्लियर हो गया। तो बहुत से 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी स्टॉल प्रोजेक्ट होने की संभावना नहीं के बराबर है। और निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक वायबिलिटी है। इवन वर्ली बांद्रा का अभी आशीष सिंह जी बता रहे थे कि मैंने जब अवार्ड किया था ये प्रोजेक्ट तो 420 करोड़ का था, फिर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्टिविटी एक्टिविज्म सबकी कीमत, मैं बहुत बार कोर्ट के मेरे कभी हाईकोर्ट जज भी मित्र है सुप्रीम कोर्ट उनको कहता हूँ कि आपके कारण कितना चूना लगता है, तो 420 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हुआ 1,850 करोड़ का। पर 1,850 करोड़ उसका एस्केलेशन होने के बाद में भी आज आशीष सिंह जी बता रहे थे कि 900 करोड़ टोल मिल रहा है, तो उसके भी पैसे वसूल हो गए, फ्लाईओवर के भी पैसे वसूल हो गए और ऊपर से उसमें से अब उस इक्विटी का उपयोग बाकी प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर के मन में वो आप 110% रखिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ कि मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और मथुरा में जो स्लज था सीवेज वाटर गंदा पानी उसके ऊपर मैंने हाइब्रिड एन्यूटी में एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें 40% सरकार ने दिए और 60% इन्वेस्टर ने लाए। तो वहाँ इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, वो सरकार से पानी लेते थे तो मैंने उनको कहा कि ये 80 MLD स्लज जो है इसको शुद्ध करके रिसाइकलिंग वाला पानी मैं आपको देता हूँ, आप कितने पैसे देंगे? तो इंडियन ऑयल ने कहा 20 करोड़ रुपए देंगे साल के। तो हाइब्रिड एन्यूटी में प्रोजेक्ट निकाला गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया और अभी वो चल रहा है और स्लज से पानी निकलकर रिफाइनरी यूज़ कर रही है इंडियन ऑयल की और 20 करोड़ रुपए साल का वो दे रहे हैं और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने 40% सरकार के और 60% इन्वेस्टर के और बैंक ने सपोर्ट किया और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो रोड तो सक्सेसफुल हुआ, एयरपोर्ट साहब बैठे हैं अभी एयरपोर्ट में भी मोनिटाइज करके काफ़ी बड़े प्रमाण पर इतना 22% ग्रोथ है और इसलिए रोड सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जगह पर इकोनॉमिक वायबिलिटी है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इन्वेस्टमेंट करने में कोई अड़चन नहीं है।
और इसलिए आप लोगों के जितना इन्वेस्टमेंट आएगी उसका ही फायदा होगा। अभी जैसे इसका केवल इन्वेस्टमेंट फायदा जो दूसरा है, अब मुंबई और पुणे में इतना ट्रैफिक जाम है, हम लोग मुंबई दिल्ली हाईवे को सूरत से एक नया रोड बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, हैदराबाद, सबके लिए वहाँ से पूरे साउथ में जाएंगे। तो उत्तर का पूरा ट्रैफिक जो नॉर्थ से आ रहा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, वो पूरा ट्रैफिक जो मुंबई पुणे आके साउथ में जा रहा था वो सूरत से बदल जाएगा, तो यहाँ का ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। हम ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, करीब 2,00,000 करोड़ की टनल्स बना रहे हैं और हमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अभी हमारे सेक्रेटरी साहब को कह रहा था, ये टारगेट शब्द NHI की डिक्शनरी से निकाल दो, आप में जितनी ताकत होगी उतना काम आप करोगे, आपको पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गोल्ड माइन पर बैठे हैं, इतना हमारा टोल का इनकम है और आगे और बढ़ते जा रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए TOT का जो मॉडल बना था पहला, वो 5,000 करोड़ का था, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर ही आए, तो मैंने आग्रह से कहा कि ये मॉडल छोटा करो। अब 500 करोड़ के ऊपर के, 500,000 करोड़ के मॉडल हुए तो इंडियन इन्वेस्टर आए। मैं बैंकर्स है हमारे खारा साहब को इन्वेस्ट करूंगा कि एक्स्ट्रो अकाउंट ले लो इन्विट में और उसका आपके बैंक में अकाउंट खोल के डेली पैसे जमा कर लो, इससे ज़्यादा सॉलिड बिजनेस कौन सा हो सकता है। और इसलिए देर इज़ नो प्रॉब्लम इन्विट में। और अभी मैं पीछे पड़ा हूँ, ये बात जरूर है कि ये कैनेडियन अभी इंश्योरेंस इकोनॉमी, शेयर इकोनॉमी और इसके विशेष रूप से जो पैसा इसमें काफ़ी है और हम लोग अभी इसको और इंडिया में बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अभी मैं हमारे अधिकारियों के पीछे लगा हूँ और वो भी कोशिश करें कि हम सेबी की परमिशन भी लेंगे कि जो छोटे छोटे लोग हैं, मैंने हम बैंक का नुकसान नहीं करना चाहते, पर बैंक इंटरेस्ट जितना दे रहे हैं डिपॉजिट पर उससे हम 2-3% ज़्यादा देंगे और हर महीने में ब्याज देंगे। तो बेचारे जो सरकारी, मैं तो बिजनेस वाला हूँ, पर जो आप सरकार में काम करते हो रिटायर्ड होने के बाद, आपकी पूंजी डिपॉजिट करते बैंक इंटरेस्ट पर, तो वो इंटरेस्ट सब कम होते जा रहा है, तो बेचारे लोगों की, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अड़चन है। तो मैं कहता हूँ उनको बैंक से 2-3% ज़्यादा मिला और मंथली इंटरेस्ट मिल गया, तो ये पूरे छोटे छोटे लोग हमारे एक एक इन्विट मॉडल में, एक एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और उनको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो इस बार इन्वेस्टर का जो व्याप्ति और बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे और इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत ही इकोनॉमी, इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, इनको भी हम तो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप होगा। एक और अच्छी बात हुई है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी जैसे चाइना में ये 8-10% है, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री यूरोप में ये 12-13% है और इंडिया में ये 14-16% है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि काफ़ी हमारे अच्छे रोड नहीं है, रेलवे में दिक्कतें हैं। तो अब इस समय जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने कहते फ्यूल में भी काम कर रहे हैं और उसके साथ नए रोड बना रहे हैं। अभी मुंबई से दिल्ली हम कार से आते अभी 48 आवर लगते हैं, अभी निश्चित रूप से एक साल के अंदर मुंबई से दिल्ली कार से 12 घंटे में होगा। तो 12 घंटे में होगा तो पेट्रोल कम खर्चा होगा। वैसे ट्रक का जो एक महीने में 4 ट्रिप मार रहा था वो 8 ट्रिप मारेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और 40 टन का ट्रक होगा और उसमें भी डीजल के बजाय अगर उसमें LNG आया, CNG आया, अब ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो नेचुरली और कॉस्ट कम होगी। और एक बात जो है, जो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को भी, कि आपने वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने वाराणसी से हल्दिया 1380 किलोमीटर वाटर वेज बना दिया और 4 मल्टी मॉडल हब बने, गाजीपुर, हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी। और रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगते हैं, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है।
तो और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट और ज़्यादा होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी मेरे क्षेत्र में है इसलिए मैं वहाँ की आपको बता रहा हूँ कि अगरबत्ती की जो काड़िया होती है वो पूरी पहले हांगकांग वियतनाम और चाइना से इम्पोर्ट हो रही थी। मैं बहुत पीछे पड़ा, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा, हमने पूरा इम्पोर्ट बंद कर दिया। अब वो स्टिक्स बनती है नॉर्थ ईस्ट में ही बाम्बू है, तो मैंने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को तो कुछ धंधा मत करो, एक ही करो कि बस अगरबत्ती की काड़िया बनाओ। और अगरबत्ती की काड़िया बनाकर हमने जो जोगी झोपा में जो बना है उसमें 4,000 टन के इसमें अगरबत्ती की काड़िया पैक करके वहाँ से वाराणसी आएगी। और नागपुर में मैंने अगरबत्ती वालों के साथ मीटिंग कराकर उनको कहा कि वाराणसी से वाया जबलपुर नागपुर में शॉर्टकट है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी और अगरबत्ती आप यहाँ बना पाओगे। और ऐसा वो बंगलोर में भी एक काड़िया जाएगी। तो आज अगरतला में त्रिपुरा पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्टिक्स बनाने का काम बड़ा होता है, ऑलरेडी शुरू किया। मैं एमएसएमई का मंत्री था, काफ़ी आसाम में बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गई। वो केवल अगरबत्ती की काड़िया बना से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ठीक से बचाने से और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज़ करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए ये आज बहुत अच्छी बात है कि आज विशेष रूप से पहला तो NHAI के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रोड का अनुभव आप सबको आता ही है और इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, सब जगह अच्छा काम हो रहा है। रिगार्डिंग लॉजिस्टिक पार्क की हमने नई शुरुआत की है और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। और आज मैं हमारे यहाँ जब शिपिंग मंत्री था तो वर्धा में सिंधी और जालना में हमने बनाया था जहाँ रेलवे भी है रोड भी है। और बाद में फिर हमने अभी इसको इस कंपनी को शिपिंग मिनिस्ट्री से बात करके JNPT से वो ट्रांसफ़र किया है। तो अब वो महाराष्ट्र में भी 5-7 जगह है, सांगली है, सोलापुर है, नासिक है और सरकार की जगह पड़ी है। और सरकार की जगह जब पड़ती है तो वहाँ अतिक्रमणों के झोपड़पट्टी बनती है और हम ही लोग फिर उसको रेगुलराइज करते हैं क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं। आप लीगली सही कहते हो कि ये सरकारी जगह है पर हम चुनाव लड़के नहीं जीतेंगे तो हम थोड़ी भाषण देने के लिए यहाँ आएंगे, तो हम फिर उसको रेगुलराइज करते हैं। तो ये जो सरकारी जगह है, जगह स्टेट गवर्नमेंट की, इन्वेस्टमेंट हम करने के लिए तैयार है, दोनों विन विन सिचुएशन है। और आपने बहुत अच्छा किया कि MIDC ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया और ये काम काफ़ी आगे गया। बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर इसी प्रकार के काफ़ी जगह, इस अभी मध्य प्रदेश में मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पे गया था, उस दिन शिवराज जी के साथ इंदौर में कार्यक्रम में था तो रतलाम में 1,500 एकड़ जगह पड़ी है मैं हमारे बाजू में, तो उन्होंने कहा हमारी जगह ले लो। तो हम लॉजिस्टिक पार्क अनेक जगह पर सरकारी जगह पड़ी है इसी, तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और उनकी कॉस्ट में वो इक्विटी में आएंगे तो उनको भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी सुविधा मिलेगी और उससे वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी तैयार हो सकते हैं। हमने रोड बनाने के पहले कॉस्ट ऑफ लैंड और रोड बनाने के बाद बहुत फर्क पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से हम जो ये लॉजिस्टिक कंपनी है ये भी बहुत इकोनॉमिकली वायबल और अच्छे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का धंधा है। और इसलिए इसमें भी कोई इनोवेटिव मॉडल्स तैयार करके जिसमें लैंड उसकी होगी तो इन्वेस्टर की भी साथ मुझे लगता है कि और बनाएंगे ताकि जैसे BOT में, PPP मोड में, हाइब्रिड एन्यूटी में जब लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो लॉजिस्टिक पार्क में भी आएगी। और इसलिए इससे देश की इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वी नीड टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट, वी नीड टू रिड्यूस अवर इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और मैं तो एग्रीकल्चर का हूँ और इसलिए मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट ये अभी बहुत अच्छी है और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में अपॉर्चुनिटी है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज हुई है स्क्रैपिंग पॉलिसी की, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 7.5 लाख करोड़ का है और अभी मैं 2004 से जो जो बात करता था पहले लोग मुझे हंसते थे, अब मैं जो बात करता हूँ वो सब कहने लगे, इसकी मुझे खुशी है। अब मैंने लोगों को ये कहा कि आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहेंगे तो लोग स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है, तो अभी मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी ली है टोयोटो की और January 1st में मैंने उसको ग्रीन हाइड्रोजन भर के मैंने कहा मैं इसको दिल्ली में घूमूंगा। अभी मैं इलेक्ट्रिक SUV में घूमता हूँ नागपुर में,
तो मैं प्रचार करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको इथेनॉल इसका यूज़ करो। आशीष सिंह जी, एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना आप करिए। मैं बजाज, राजू बजाज से मेरी बात हुई पुणे में, प्रधानमंत्री जी ने 3 पंप इथेनॉल पर ओपन किए हैं और ऑटो रिक्शा जो है वो इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर बजाज की तैयार है। आप पुणे में, आपके मिनिस्ट्री में इसके लिए विशेष योजना, क्योंकि पोल्यूशन कम हो जाएगा और पूरा इथेनॉल तो किसानों का है। तो पहली बात तो ये इथेनॉल का ऑटो रिक्शा पुणे में लॉन्च करिए और अभी हम लोग एडवाइजरी निकाल रहे हैं फ्लेक्स इंजन की। और फ्लेक्स इंजन का मतलब यही है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और इसके टू व्हीलर बजाज और टीवीएस ने ऑलरेडी बनाए, ऑटो रिक्शा भी बन गई। अब टोयोटो, बाद में सुजुकी और हुंडई, जिनका 65-70% मार्केट शेयर है, तीनों ने हमको एश्योर किया कि हम अब फ्लेक्स इंजन आने के लाने के लिए तैयार है। अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील में है। कल ही मेरे पास ब्राज़ील के एम्बेसडर आए थे। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी आने के बाद हमारे पेट्रोल गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं। एक तरफ हम जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि नॉर्वे ने किया है, हम लोगों को अगर अल्टरनेटिव देंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव है, पेट्रोल 120 रुपए लीटर, इथेनॉल 62 रुपए लीटर। और अभी एक टेक्नोलॉजी का लाया मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, उसका प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू दोनों एक होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो फिर वो 50% बचा तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, पोल्यूशन भी कम है, ग्रीन फ्यूल है। और इथेनॉल की अब 350 फैक्ट्री इथेनॉल फ्रॉम राइस सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है। शुगर के बजाय शुगर कैन जूस, मोलाइसिस, बीएवी मोलाइसिस से इथेनॉल बड़े प्रमाण पे बन रहा है। तो हम क्यों 8 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट करके पूरा पोल्यूशन करके दिल्ली मुंबई सब जगह प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं हम इसको यूज़ करें। और इसलिए फ्लेक्स इंजन के बारे में भी हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और मेरा बिल्कुल विश्वास है कि 2-3 साल के अंदर हमारी पेट्रोल के बजाय हमारी इस व्हीकल इथेनॉल पर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक जो बैटरी केमिस्ट्री है इसमें अच्छा काम हुआ है, अब 85% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है। और इसके बाद और अच्छा रिसर्च चल रहा है, हमारी मिनिस्ट्री में लगातार हम उसके पीछे लगे कि सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, वो भी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है और लिथियम आयन बैटरी की भी कीमत कम हो रही है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ कि 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार इसकी पेट्रोलियम कार के बराबर कीमत होगी। तो आज इलेक्ट्रिक के पेट्रोल कार को जाने के लिए 10 रुपये किलोमीटर लगता है, डीजल को 7 रुपये लगता है और इलेक्ट्रिक को 1 रुपया लगता है। तो धीरे धीरे कहने की ज़रूरत ही नहीं, लोग ही उसको लेंगे और पोल्यूशन नहीं है, तो ये होना ही है। और अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमारे पुरी साहब के पास मैंने पिछले मंगलवार को उनके घर पर एक मीटिंग थी, सभी ऑयल कंपनी के चेयरमैन मैं और वो ऐसे होने वाली थी। तो मेरा एक सुझाव उनको था कि जितना वेस्ट वाटर है मुंबई पुणे सभी महानगरों में वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर जो रिसाइकलिंग करके हम महाराष्ट्र सरकार को मेरे यहाँ हम लोग बेचते हैं हमारा टॉयलेट का पानी, और 325 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलती है। तो मैंने उनको कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो कचरे को सेग्रीगेट करेंगे और उसके ऊपर में सोलर रूफटॉप लगाएंगे, और एक छोटा सा गुजरात की एक कंपनी ने छोटी विंड मिल निकाली है फाइबर ग्लास की, तो उससे पावर तैयार होगी। और पावर कॉस्ट अगर सस्ती होगी तो 50 रुपये किलो ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा, तो एकदम इतना फायदा हो जाएगा कि हम स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में कोल के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हमको बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन बनाया और ये जो हाइड्रोजन मिशन है इसके लिए हर नगर पालिका, महानगर पालिका अगर गंदे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक कचरे को अलग निकाल के भी हाइड्रोजन बना सकती है। और कल ही मेरे पास एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, शेखावत जी हमारे मंत्री उनको लेकर आए थे, ब्राज़ील और अमेरिका के करीब 10-12 लोग थे। मैं अभी बेंगलुरु 10 तारीख को जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइज़र यही हमारी कंपनी बना रही, भारतीय कंपनी, और इलेक्ट्रोलाइज़र अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही है। हमारे देश में इलेक्ट्रोलाइज़र तैयार करने वाली 10 कंपनियाँ आ गई। जो सेमी कंडक्टर्स उनने मुझे दिखाया, सब बनाने वाले हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं और हमारे यहाँ बेंगलोर से वो सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में। तो हमारे यहाँ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, ये सब आने वाले इसमें ऑप्शंस अगर लोगों को दिए तो और कॉस्ट कम होगी और इसमें सबसे बड़ा फायदा स्क्रैपिंग का होगा।
जो 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की बनेगी और हिंदुस्तान ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर एक का हब बनेगा। ऑलरेडी ऑल वर्ल्ड के सभी प्रेस्टिजियस ब्रांड हिंदुस्तान में प्रेजेंट है और ये जो स्क्रैपिंग से जो नए व्हीकल जो बनते हैं उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 35% कम होगी। और ये जो स्क्रैपिंग में तो लिथियम आयन भी निकलता है और 95% उसका मटेरियल यूज होता है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी 35% कॉस्ट अगर कम होगी तो टाटा और महिंद्र कोई सामाजिक कार्य करने के लिए थोड़ी डाल रहे यूनिट, ये इकोनॉमिक वायबिलिटी उनको समझ में आई इसलिए वो 5 यूनिट 10 यूनिट डाल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि फिटनेस सेंटर, स्क्रैपिंग यूनिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का एक बनाकर आप जैसे बाकी राज्य सरकार में पॉलिसी बनाई आप भी बनाइए और ये बड़े प्रमाण पर अगर तो रोजगार भी निर्माण होगा और इससे देश की ऑटोमोबाइल इकोनॉमी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और अभी हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि अगर एक जो 15 साल पुराना ट्रक जो है वो आज के जो 15 नए ट्रक जितना पोल्यूशन करते उतना पुराना एक ट्रक पोल्यूशन करता है, तो ये पोल्यूशन कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है और सरकार को भी, राज्य सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा करीब 16%। 1 करोड़ व्हीकल अगर स्क्रैपिंग होंगे तो ये 1 करोड़ में से 90 लाख लोग तो नए व्हीकल खरीदी करेंगे तो GST किसको मिलेगा? राज्य सरकार और भारत सरकार को GST मिलेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि ये भी विन विन सिचुएशन है, हम वी नीड कोऑपरेशन, इनिशिएटिव तो हमने लिया है पर इसमें भी बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की सोच एकदम क्लियर है कि सरकार से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को ज़्यादा इनकरेज करो। और डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले कमेटी का मैं ही हूँ प्रमुख, अनेक बार अनेक विषय एक के पीछे एक आती है तो वो कहते, मैं एक आधे बार कहता हूँ कि ये प्रॉफिट में चल रहा है प्रधानमंत्री जी, अब इसको मत, मैंने बोले मोह में मत पड़ना, ये सरकार का काम नहीं है, ये धीरे धीरे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को दे दो, हमारा काम नहीं है। और ये बिल्कुल सही है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी, तो हमारा काम नहीं है। वी आर नॉट द बेस्ट पर्सन टू रन द बिजनेस, यू आर द बेस्ट पीपल। तो धीरे धीरे आपको ही इसको दे और हम फैसिलिटेटर बने, तो इसलिए ये तीनों जगह पर जो इन्वेस्टमेंट आकर आप सब लोगों का जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस, और उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत विन विन सिचुएशन है। और इसलिए आज आपने ये तीनों जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल थे इस पर काफ़ी अच्छा ये हुआ, बैंकिंग और इन्वेस्टर जो है उनसे मेरा विशेष अनुरोध है क्योंकि आज एक ही समय चार ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ गए तो नेचुरली थोड़ा जस्टिस नहीं मिला है, पर मैं जो फीकी है, CII है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनको अनुरोध करूंगा कि आपके रीजन में, स्टेट में एक एक सब्जेक्ट के अलग इन्वेस्टर्स को बुलाकर इसके और डिटेल में जाइए। और जैसे मनोज कुमार जी ने कहा है कि हम लोग बड़े ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके कोई भी सजेशंस है तो हम लोग उसको पॉजिटिव अप्रोच में सोचने के लिए तैयार है। तो आप इसके ऊपर निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आइए, राज्य सरकार इसके लिए नीति बनाए और आने वाले समय में जो आत्मनिर्भर भारत, जो हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ाने की बात हमारी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट को कम करने की बात कर रहे हैं और विशेष रूप से नए रोजगार निर्माण करने की बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो निश्चित रूप से इसमें संभव होगा और इसमें आप सब लोग जरूर सहयोग करिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए मंत्री महोदय, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर दी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। और अब वो समय आ गया है जहां पर टेस्ट मैच में लंच के पहले का आखिरी ओवर कौन डालेगा इस पर चर्चा होती है, तो आई वुड लाइक टू नाउ रिक्वेस्ट रीजनल ऑफिसर NHAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंशुमणि श्रीवास्तव जी टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। Honorable Minister Road Transport and Highways Government of India, Honorable Minister
इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन NHAI, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चेयरमैन SBI, अदर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स।